Hey guys, welcome and welcome back to our YouTube channel. I am Garima. I hope you are doing great. So, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आजियो से फुटवेयर एंड बैग एंड आजियो से मैंने फर्स्ट टाइम जो है ये परचेजिंग की है एंड इसके पहले मैंने कोई भी वहाँ से फुटवेयर वगैरह कुछ भी नहीं मैंने परचेज किया था. इवन ना कोई क्लोथिंग में मैंने परचेज किया था, ना मैंने फुटवेयर या कुछ बैग ऐसा कुछ भी नहीं किया था. तो मुझे आजियो से कुछ फुटवेयर लेने थे तो वहाँ पे मैंने सुना है बहुत अच्छे आजियो के फुटवेयर होते हैं एंड यहाँ पे मैंने कुछ दूसरी ब्रांड से मैंने लिए हैं. मैंने यहाँ पे लिए हैं एवर क्यूपिड के भी मेरे पास हैं एंड कुछ आइटम मैंने लिए हैं जो आजियो लक्स करके एक और है, उसमें वहाँ से मैंने कुछ फुटवेयर एंड बैग लिए हैं. तो देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वहाँ का कैसा क्या कलेक्शन है. फर्स्ट है वो एक बूट है एंड ये कुछ इस टाइप की, इसमें पूरी पैकेजिंग में है, ये कुछ इस टाइप के बूट है. ये मेरे नी बूट हैं तो इसलिए ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है यहाँ पे एंड इसको मैंने बाय द वे ओपन करके एंड ट्राई करके देख लिया है कि कैसा क्या है एंड फिर मैंने इसको अगेन पैक कर दिया कि आपको आपके साथ शेयर करना था कि मुझे कि इसकी पैकेजिंग वगैरह कैसी क्या आती है. तो इस टाइप का ये है बॉक्स, इसमें एंड कुछ इस टाइप से आता है, होप आपको दिख रहा होगा. एंड ये है बूट, ब्लैक कलर के बूट हैं एंड ये कुछ इस टाइप के बूट है. यहाँ पे जो है इस टाइप की यहाँ पे लेस दी हुई है, पूरा अच्छे से यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक डिटेलिंग है एंड साइड में जो है इस टाइप की यहाँ पे जिप है. ज़्यादा हील वाले मैंने बूट नहीं लिए क्योंकि मुझे थोड़ा ये था कि कंफर्टेबल हूँ, तो मैं अगर इनको वेयर करूँ तो मैं लॉन्ग टाइम तक इनको वेयर कर सकूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा हील वाले नहीं लिए. एंड ये जो हील है ये आई थिंक 1.5 इंच होगा, ज़्यादा नहीं होगा एंड ये ब्लॉक हील है तो कंफर्टेबल भी रहता है. एंड जो इसका लेदर है वो काफ़ी सॉफ्ट लेदर है. जो ब्रांड है वो है डिलाइस ब्रांड से हैं ये एंड ये काफ़ी अच्छे हैं. अंदर जो है ये इस टाइप का है, काफ़ी कुशनिंग है एंड बहुत ही वॉर्म करते हैं. मैंने सिर्फ ट्राई ही किया था तो काफ़ी वॉर्म कर रहे हैं. एक अगेन मैंने एक स्टीव मेडन का सूट लिया है, तो ये भी मैंने लक्स स्टोर से ही लिया था, मींस जो आजियो लक्स है उससे ही लिया था. तो ये है स्टीव मेडन का, इस टाइप का कुछ बॉक्स है इसमें एंड इसमें मैंने फ्लैट लिए हैं कुछ एंड ये इस टाइप का है. मैं इनकी पैकेजिंग इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली हैं एंड आपकी अगर वही पैकेजिंग अच्छी नहीं होती है तो फिर कहीं पे डैमेज वगैरह आपको मिलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको दिखा रही हूँ कि कैसे क्या पैकेजिंग में ये आए थे मुझे एंड अच्छा था, सारा सब कुछ अच्छा था. बस इसका जो बॉक्स है वो थोड़ा सा टूटा हुआ. तो ये है कुछ मेरे इसमें फ्लैट, काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे. एक्चुअली इसको मैंने बहुत पहले देखा था बट ये बहुत कॉस्टली होते हैं तो इसलिए मैं नहीं ले पाई थी एंड साइज लिया है वो 39 लिया है एंड ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. इसमें बहुत सारे कलर हैं वहाँ पे एंड पर्पल भी है, वाइट है, पिंक है, ऑरेंज है, तो बहुत सारे कलर हैं बट मुझे ब्लैक ये होता है कि सारे आउटफिट पे चल जाता है तो इसलिए मैंने ब्लैक लिए हैं एंड कुछ इस टाइप की इसमें डिटेलिंग है के आगे से कुछ इस टाइप की डिटेलिंग दे रखी है एंड जो यहाँ पे ये स्टोन दिए हुए हैं ये ऐसे नहीं है कि ऊपर से कुछ ऐसे चिपका दिया गया हो, बट अंदर इस टाइप के पूरे अच्छे से लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे इस टाइप से, तो ये निकलने वाले नहीं है एंड काफ़ी मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी. बस एक चीज़ है, ये जो ये लास्ट वाली जो स्टेप दी हुई है ये थोड़ा सा लूज है, अदरवाइज बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं.
थोड़ा सा न्यूट कलर का एक्चुअली ये पंप शूज है। जब ये रिसीव हुआ तो उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी एंड इसमें जो मेरा साइज था वो भी मुझे फिट नहीं आया। मैंने 6 नंबर ही इसमें जो है वो ऑर्डर किया था बट वो मुझे काफ़ी लूज हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जो ब्रांड है वो स्टीव मेडन है एंड स्टीव मेडन के शूज़ काफ़ी कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस है वो है आई थिंक 2600 समथिंग ऐसे था, आफ्टर डिस्काउंट था। ये इनको रिटर्न कर दिया एंड साइज इसमें बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा। अगर आपको इस टाइप के आप स्टीव मेडन के आप पंप शूज ले रहे हैं तो आप उसमें एक साइज जो है वो डाउन करके लें, अदरवाइज वो आपको फिर लूज हो। जो नेक्स्ट है वो एक फुटवेयर है एंड ये है फुटवेयर, ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आया था एंड ये इस टाइप के अंदर है। ये इनके डस्ट बैग भी है साथ में एंड ये है। सो इनका जो कलर है वो मरून कलर है एंड जो शाइनिंग वाला मरून कलर होता है वो है एंड काफ़ी प्रिटी कलर है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बैक साइड में कुछ इस टाइप का है, रेड कलर से है एंड इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको ये स्लिप नहीं होंगे, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये शू जो है वो इवर क्यूपिड से है एंड इसकी जो हील है वो 3 इंच है एंड इसमें जो मटेरियल है अपर में वो फॉक्स लेदर है एंड अंदर में जो है वो ईयू है। फर्स्ट टाइम मैंने एवर क्यूपिड के ये शूज लिए हैं एंड इनकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जो ये इनका जो स्टाइल होता है शूज का वो बहुत ही अच्छा है। आपको स्टाइलिश फुटवेयर लेना है देन आप जो है एवर क्यूपिड से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें जो मुझे ओवरऑल ये सारे अच्छे लगे, अंदर कुशनिंग भी है, सब कुछ अच्छा है, बस इसमें एक चीज़ ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे हल्का हल्का सा रिंकल्स जैसे पड़ने लगे, तो बस मुझे इसमें एक यही मेन इशू है कि इसमें एक बार ट्राई करने से ही ये हल्के से रिंकल्स जैसे आ रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छे हैं। इनका कलर बहुत ही प्रीटी है, इस कलर में जब से ये मुझे रिसीव हुए उसके बाद में मैंने बहुत सारी ब्रांड में ये कलर मैंने सर्च किया बट मुझे इस टाइप के शाइनिंग में मरून कलर में कोई ऐसा अभी तक नहीं दिखा। जो दिख रहे हैं वो या तो बहुत कॉस्टली है या फिर जो है उनकी हील्स बहुत ज़्यादा है। अगेन एक फुटवेयर ही है एंड ये भी एवर क्यूपिड से ही है। ये एक पिंक कलर के शूज हैं एंड ये भी काफ़ी प्रिटी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें जो एवर क्यूपिड के जो जो फुटवेयर होते हैं काफ़ी स्टाइलिश होते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न दे रखा है एंड इसकी जो हील है वो 3 इंच है एंड अंदर जो है इसमें भी कुशनिंग वगैरह है एंड इस टाइप का यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है स्लिंग में, तो ये है कि आपको अगर कंफर्टेबल रहता है थोड़ा मतलब वेयर करने में कंफर्टेबल रहता है एंड इसमें इस टाइप की कुछ हील है यहाँ पे, इस टाइप का मेटल में दिया हुआ है तो इस टाइप का है एंड इसका कलर जो है थोड़ा पिंक क्या थोड़ा पर्पल शेड भी है इसमें, टच है तो इस टाइप का है एंड इसका जो प्राइस है वो एमआरपी इसमें है वो है 3995 बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 1300 समथिंग का पड़ा था। नेक्स्ट है ये एक बैग है एंड ये है इसका बॉक्स एंड इसको भी मैंने आजियो लग से ही बाई किया है एंड काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। मैंने ये ब्रांड कभी यूज़ नहीं किया, टाइगर मरोन करके बैग वो सॉरी ब्रांड है एंड मुझे नहीं पता कि इसके बैग वगैरह कैसे रहते हैं बट मुझे इसका स्टाइल वगैरह काफ़ी अच्छे लगे एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको बाई किया। साइड में इसकी पूरी जो है वो पैकेजिंग आपको दिख रही होगी कि किस टाइप से आया था। वैसे मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी, इस टाइप के कुछ बैग में आया था ये बैग एंड ये डस्ट बैग है और काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। बैग पे भी यहाँ पे इनका ब्रांड का नेम लिखा हुआ है टाइगर मरोन
एंड ये कुछ इस टाइप का बैग है। ये है पिंक कलर में बैग एंड थोड़ा सा इसमें पर्पल टच भी है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, एकदम सॉफ्ट सी क्वालिटी है। इस टाइप के इस पैटर्न में मैंने वहाँ पे बहुत सारे बैग देखे जो आपको 300, 500, 600 में भी मिल रहे थे। बट वही है कि आप पता नहीं उनकी क्वालिटी कैसी थी, बट मुझे इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा लगा। ये कुछ यहाँ से इस टाइप से ओपन होगा एंड अंदर जो है वो इस टाइप का दिया हुआ है। साथ में एक स्ट्रैप भी मिल जाती है एंड ये काफी स्पेसियस है। ये आप देख रहे होंगे इस टाइप का एंड इसमें काफी मतलब आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट है कुछ वो आ जाएंगे, आप अच्छा खासा इसमें आपके सामान आ जाएगा। एंड इस टाइप को आप बंद कर लीजिए देन ये। एंड ये कुछ इस टाइप का बैग दिख रहा है। सो कैसा लगा आपको ये बैग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा एंड जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट लेदर है इसमें एंड जो पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर ऑल्सो प्रिटी है। सो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो नेक्स्ट है वो भी एक स्क्रीन पे आपको बैग दिख रहा होगा। मैंने इस टाइप का एक रेड कलर में बैग लिया था एंड ऑल्डो का ये बैग है। ऑल्डो का बैग काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं, बट जब मुझे रिसीव हुआ तो अच्छा तो लग रहा था लेकिन इसकी पैकेजिंग आप देख रहे होंगे इतनी गंदी थी। इतना महंगा बैग और इस टाइप की पैकेजिंग में आया है। दूसरा ये है, ये रियल है भी ऑल्डो की नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि आप अगर कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ें लेते हैं तो उसकी पैकेजिंग भी प्रॉपर आती है। आप मेटल की स्ट्रैप देख रहे होंगे, वो थोड़ा सा बार बार फोल्ड हो रही थी तो वो थोड़ा इरिटेटिंग वाली थी, तो मुझे इसलिए मुझे वो अच्छा बैग नहीं लगा एंड मैंने उसको साथ ही साथ रिटर्न कर दिया। अगर आप ऑल्डो या फिर इस टाइप के कोई अच्छे से ब्रांड जो 3-4 thousand या 5-6 thousand के अगर आप ले रहे हैं, जैसे ऑल्डो हो गया या स्टीम मेडन हो गया एंड अदर ब्रांड हैं, तो अगर आपके पास उनका स्टोर है एंड आप सेल में लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्टोर में जाके लें, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है आपको पता भी नहीं चलता कि आपको वो ओरिजिनल भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो गाइस ये थे मेरे आजियो से शूज एंड बैग, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड इनमें से कौन सा शूज एंड बैग्स अच्छा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साइड में बेल आइकॉन बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, उससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।